बात करेंगे पेस्ट स्पेशल के बारे में। पेस्ट स्पेशल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ डेटा है, जिसमें मेरे पास एक में डेट डाला हुआ है, मैंने कुछ जगह टेक्स्ट डाला है और कुछ जगह फॉर्मूला और ना जो नंबर्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी, अब पेस्ट स्पेशल की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम पेस्ट स्पेशल के लिए कॉपी करते हैं पहले, देन राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जा सकते हैं, या फिर यहाँ होम टैब के अंदर हमारे पास होता है ये पेस्ट स्पेशल इस ऑप्शन में। तो इसमें जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वैल्यूज का यूज करते हैं। अब देखिए वैल्यूज का यूज तो करते हैं, बट क्या होता है कि इसमें हमारे पास डेट की फॉर्मेटिंग अलग आ रही है और हमारा फॉर्मूला जिसमें नंबर थे, इसमें क्या हुआ कि इसमें 0.002 डेसिमल प्लेसेस तक था, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। बेसिकली ये चीज है क्या, डेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डेट जो है कुछ नंबर्स में दिखा रहा है। बेसिकली ये नंबर फॉर्मेटिंग होती है इसकी। नंबर फॉर्मेटिंग क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि होम टैब में आप देखेंगे हमारे पास एक नंबर टैब होता है ये, और इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये नंबर का आप देख रहे हैं ऑप्शन है, और इसके अंदर ये जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है इसको नंबर फॉर्मेटिंग करती है, जिसके अंदर आपका नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंस और टेक्स्ट एंड कस्टम फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है जी, तो पेस्ट स्पेशल का जब भी हम यूज करते हैं, एक तो कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी जब करते हैं तो उसमें सारी चीजें पेस्ट हो जाती हैं, बट जब पेस्ट स्पेशल करते हैं तो ये उसको पार्टीशंस में डिवाइड कर देता है, जिसके अंदर आपका ऑल का मतलब है नॉर्मल, कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला नॉर्मल पेस्ट, फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट और वैलिडेशन, ये अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वैल्यूज, बट वैल्यूज के साथ हमें चाहिए नंबर फॉर्मेटिंग। तो नंबर फॉर्मेटिंग बाकी सब की अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं तो क्या पेस्ट करता है ये, जैसे यहाँ पे है, अगर मैं फॉर्मेट पेस्ट करूं तो एवरीथिंग ये पेस्ट करता है, कलर इंक्लूडिंग कलर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, फॉन्ट बोल्ड है, इटैलिक है, जो भी है वो सारी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता है। बट मुझे रिक्वायरमेंट है सिर्फ नंबर फॉर्मेटिंग की, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो जब भी मैं पेस्ट एज वैल्यूज करता हूँ, ठीक है जी, तो उस जगह मैं अगर अच्छे डेटा के साथ यूज कर रहा हूँ ये चीज, जिसमें डेट की वेरिएशन है, टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो डिस्ट्रॉय ना हो उसके लिए मैं वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट करूंगा। ठीक है जी, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट करूंगा, जिसमें क्या होता है मेरे नंबर फॉर्मेटिंग जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। देन एक और चीज आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग तो आ गई, यहाँ पे डेट भी आ गई, यहाँ पे ये हैश हैश का साइन है, मतलब क्या चीज है, यहाँ पे कॉलम थोड़े से बिगड़े हुए हैं। ठीक है जी, कॉलम सेटिंग नहीं है। अब मैंने कॉपी किया हुआ है तो एक और एडवांटेज है पेस्ट स्पेशल का, कि मैं कॉलम विड्थ को भी पेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ तो यहाँ पे जब ऑप्शन देखेंगे कॉलम विड्थ, तो कॉलम की जो सेटिंग मैंने यहाँ पे की हुई है वो भी मेरा पेस्ट कर देता है। तो कॉलम की सेटिंग यहाँ पेस्ट हुई, मैं इसको एज इट इज यहाँ पे भी पेस्ट कर सकता हूँ कॉलम विड्थ को, तो जो डिस्क्रिपेंसी मैंने देखी वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है जी, देन हम क्या यूज करते हैं इसमें पेस्ट स्पेशल में, हमारे पास है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, सब कुछ करेगा, बॉर्डर नहीं करेगा आपका। ठीक है जी, बॉर्डर नहीं करेगा। दूसरा है, एक और चीज है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। सोर्स थीम में आप देख रहे हैं सब कुछ आया हुआ है, बट सोर्स थीम हम ये चीज एक्सेल में यूज नहीं करते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। थीम्स हम यूज करते हैं अपने पावर पॉइंट में, तो जब भी आप पेज लेआउट में जाते हैं तो थीम्स आपके पास यहाँ पे होती हैं। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट आप अपने एक्सेल पे चेक करेंगे तो यहाँ थीम्स जरूर अवेलेबल होंगी, जैसा कि आप प्री डिफाइंड कुछ टेक्सचर्स होते हैं, कोई कलर्स होते हैं या फॉन्ट फॉर्मेटिंग होती है, तो थीम्स कहते हैं उन्हें। मोबाइल में आपके भी थीम्स होते हैं अलग अलग तरह के, जिसमें आइकॉन स्टाइल वगैरह चेंज हो जाता है, तो उसी तरह से थीम्स है, बट इसका पावर एक्सेल में यूज नहीं किया जाता है, सो ये इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है जी, अदर थिंग, अगर आपको सारे फॉर्मेट एक साथ पेस्ट करने हैं तो आप अपना फॉर्मेट का ही यूज कर सकते हैं, इसमें इंक्लूडिंग नंबर फॉर्मेट होता है। ठीक है जी, देन हम अगली चीज देखते हैं इसमें। देखिए मान लीजिए आपके पास सेल्स का डाटा है, कुछ मेरे पास यहाँ पे मैंने डाटा दिया हुआ है। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, मैंने लिस्ट कहीं से बनाई थी, अब मुझे
क्या हुआ कि वो लिस्ट में मुझे बाद में ऑडिट किया तो पता पड़ा कि इसमें कुछ मिस्टेक थी, मतलब इनके आगे जो मैंने नंबर लिखे हैं ये इसमें ऐड होने थे। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा, ऐड के लिए नॉर्मल लोग क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं कि या तो इक्वल टू लगा के ये रेफरेंस प्लस इस रेफरेंस को लिया, यहाँ से करके ड्रैग करके यहाँ पे लाए, देन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज या पेस्ट स्पेशल कर दिया। ठीक है जी, बट मैं क्या कहता हूँ कि जब आपने पेस्ट करना ही है तो वाई टू यूज दिस फॉर्मूला, आप जस्ट कॉपी कीजिए इसको, यहाँ से इस पे जाइए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, तो ऑपरेशन टैब है आपका जो कैलकुलेशन के काम आता है, तो ऐड को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो इसमें ऐड कर देगा। ठीक है जी, देन इसी की तरह से ऐड की तरह ही हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीजें भी इसके अंदर हैं, तो जिसके लिए मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि कहाँ पे हम उसका यूज करते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया कि मुझे क्या है, मेरे पास सेल्स है। ठीक है जी, तो सेल्स है तो टारगेट भी होगा, तो टारगेट मैंने कह दिया जी 200 का टारगेट लिया मैंने। ठीक है जी, सबका। अब मुझे क्या निकालना है, अचीवमेंट की परसेंटेज निकालनी। ठीक है जी, अचीवमेंट परसेंटेज निकालनी है, इंस्टेंट बस प्रिंट करके देनी है। तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, नॉर्मली या तो आपको फॉर्मूला आता हो कि परसेंटेज कैसे निकालनी है, वैसे तो बहुत सिंपल है, इसे करके आप डिवाइड कर देते हैं 200 अपने टारगेट को, देन इसको, मेरे में तो आपका परसेंटेज आ रहा है, पर अगर नहीं आता है तो इसको हम क्लिक करते हैं, परसेंटेज का यहाँ पे साइन होता है तो इसको क्लिक कर देते हैं, आ जाता है। ठीक है जी, इसके लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट है कि हम इसको कॉपी कर, पहले अपना डेटा इसको सेम ऐसे एज इट इज यहाँ डाल दिया हमने। ठीक है जी, इसको यहाँ से कॉपी किया और इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया, और मैं यहाँ से डिवाइड यूज करूंगा। ठीक है जी, डिवाइड मैंने यूज किया, एक साथ डिवाइड हो गया, देन परसेंटेज एक झटके में हो गया। पर प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकल में क्या होता है कि हमारे पास जो है हर एक बंदे का एक टारगेट तो होता नहीं, अलग अलग टारगेट होता है, कई बार कोई सीनियर होता है, कई कुछ होता है, तो क्या करते हैं उसके लिए, अब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स हैं, अब मुझे सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला इसका ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी कर सकता हूँ, पर फास्टेस्ट वे क्या करता है मेरा, कॉपी किया एंड देन इसको मैंने सिलेक्ट किया, और देन मैंने क्या किया, डिवाइड किया एंड परसेंटेज। ठीक है जी, एक बार में आपके टारगेट निकाल दिए। बट अब बात करते हैं कि जैसे मेरी डेली की सेल्स हो रही है कुछ, तो सेल्स 1 2 3 मेरे 3 दिन की सेल्स दी है मैंने, इसी तरह मुझे अचीवमेंट परसेंटेज भी निकालनी है। ठीक है जी, और मेरे डेली के टारगेट्स भी अलग अलग हैं। ठीक है जी, डेली के टारगेट्स भी अलग अलग हैं, तो इन टारगेट्स को अब मुझे करना है, तो मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, ये टाइम कंज्यूमिंग हो गया। ठीक है जी, बट हमको अपने पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में क्या चीज मिलती है कि हम ये भी उतनी ही स्पीड से उतनी ही फास्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके खाली मैंने डिवाइड करना है, एक साथ सारा अपने सब्सिक्वेंट सेल से डिवाइड हो जाएगा, जैसे सेल्स ये अचीवमेंट 1 का है तो इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 का है तो इससे डिवाइड होगा, ये वाला इससे डिवाइड हो जाए, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो अगर मेरे पास कोई काफी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है तो, और मेरे को फॉर्मूला थोड़े बहुत आते हैं, तब भी मैं बहुत टाइम लूंगा इसको बनाने में, बट पर विद द हेल्प ऑफ पेस्ट स्पेशल ये आपके लिए इजी हो जाता है। देन बात करता हूँ कि मेरे पास जैसे मान लीजिए कि मैं कई बार क्या होता है, फाइनेंशियली या फाइनेंशियल सेगमेंट में अगर वर्क करते हैं तो आपको क्या होता है कि आप का डाटा जो है, जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि करोड़ में आपको, करोड़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, अब करोड़ में कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे करूंगा मैं, सिंपली वैल्यूज इन करोड़ जैसे करते हैं, तो मैंने एक जगह 1 करोड़ लिख लिया, कॉपी किया, या वैल्यू इन लाख चाहिए होती है, तो कॉपी किया, सिलेक्ट किया एंड सिंपल डिवाइड कर दिया, तो मेरे को तुरंत वैल्यू जो है अपनी वैल्यू इन करोड़ में मिल गई। ठीक है जी, तो ये कई बार फास्टेस्ट वे होते हैं। एक और दिक्कत आती है कि चलिए ये भी आपने किसी तरह से कर दिया, बट कई बार जब इस तरह की शीट बनाई जाती है
तो उनके नीचे क्या होता है, सब टोटल भी होता है। ठीक है जी, इसको मैं प्रीवियस मोड पे ले जाता हूं, तो यहां पे मेरा सब टोटल डला हुआ है। ठीक है जी, या ये वैल्यूज मेरी कहीं से कंसोलिडेट होके आ रही है फॉर्मूला में। ठीक है जी, तो जैसे मुझे फॉर्मूला करना है, खाली अगर मुझे फॉर्मूला करना है, मान लीजिए ये वैल्यूज आ रही है, मैं ऊपर वाली को नहीं छोड़ूंगा, ये वैल्यूज मेरी आ रही है। अब इसमें मैं देख रहा हूं कि फॉर्मूला डला हुआ है, आपके में किसी और शीट से भी आ सकती है, तो इस केस में फिर से ट्रिकी हो गया, क्योंकि ये शीट लिंक्ड भी रहनी चाहिए और आ, आ, काम भी करनी चाहिए। ठीक है जी, रिजल्ट भी सही होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, देन मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है जी, अब मैं देखूंगा कि मेरे फॉर्मूले में क्या एडिशन हुआ, कि जो मेरा फॉर्मूला लगा था वो डिवाइड बाय 1 लाख हो गया, पूरा फॉर्मूला का एक बार में मेरा डिवाइड हो गया। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले के अंदर भी आपका वर्क करता है। ठीक है जी, आपको कहीं से कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते। अगर मान लीजिए कि ऐसी लिंक्ड शीट होती तो ये चीज आपके लिए रियली टफ होने वाली थी, अगर आप इस मेथड को नहीं जानते थे तो। ठीक है जी, नाउ एक चीज देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल में अपने, कि यहाँ पे मैंने दिखाया था कि यहाँ पे मैंने ऐड करना था, चलिए मैं बात करता हूँ कि रिप्लेस करना था। ठीक है जी, ऐड का तो आपने कहा कि चलो इक्वल टू करके हो जाता है, अब रिप्लेस का हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी, थोड़ा सा लेवल अप चाहिए फॉर्मूले का, अगर फॉर्मूले के थ्रू लगाना है तो थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ता है इसमें। ठीक है जी, दिमाग क्या खर्च करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे ये इक्वल टू ब्लैंक है तो मैंने कौन सी वैल्यू चूज करनी है, ये वाली, अगर नहीं तो ये वाली। ठीक है जी, तो जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये फॉर्मूला जो मुझे चाहिए था रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट वाला, इसने वर्क कर दिया। ठीक है जी, पर थोड़ा सा ट्रिकी था ये। अब इसी चीज को मैं पेस्ट स्पेशल के जरिए कैसे करूंगा, मैं बस कॉपी करूंगा। अब देखिए, हम नॉर्मली कॉपी पेस्ट क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जब मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, इसके साथ जो है मेरे ब्लैंक्स भी पेस्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम आती है। तो हमारे पास एक पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन होता है स्किप ब्लैंक्स का, अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ के जो ब्लैंक्स है जहां आप कॉपी कर रहे हैं वहां नहीं होते, वहां पे कुछ नहीं होता। ठीक है जी, तो यहां से आप देखेंगे कि ब्लैंक्स नहीं गए हैं, बट जहां वैल्यू है वहां चली गई है। ठीक है, छोटी मोटी चीजों में ये आपको थोड़ा सा, छोटी मोटी चीजें आराम से हो जाती हैं, बट बड़ी बड़ी लिस्ट में इसका बहुत एडवांटेज रहता है। ठीक है जी, देन आपका एक और चीज दिखाता हूँ, ट्रांसपोज, जो कि आप जानते ही होंगे। ट्रांसपोज का यूज हम करते हैं, जैसे रो को आपने कॉलम में बदलना है या कॉलम को रो में बदलना है, तो उसके लिए ट्रांसपोज का यूज किया जाता है। ठीक है जी, देन बात आती है लिंकिंग की। अब लिंकिंग में क्या होता है, जब हम लिंक करते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं, कि जैसे कई कई रीजन्स की सेल्स आ गई हमारे पास, हरियाणा की अलग, पंजाब की अलग, इधर उधर, वहां कंसोलिडेट करके हम लिंक्स लेके आते हैं। तो लिंकिंग में क्या होता है कि आप, यहाँ छोटा डेटा है तो आप सिलेक्ट, तो आप क्या करते हैं, नॉर्मली क्या मेथड यूज किया जाता है इसकी जगह, कि इक्वल टू लगा के यहां से सिलेक्ट किया और देन इधर ड्रैग कर दिया, देन नीचे ड्रैग कर दिया। ठीक है जी, बट अब बड़ा डेटा अगर करना होता है तो क्या होता है कि हमें अंदाजा नहीं होता, तो ये हमें ये जीरो देखने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हमारा भटकता है, कि वापस डाटा में चेक करें कि कहाँ तक किया है, कहाँ तक नहीं किया, कहीं कुछ छूटा तो नहीं, इस तरह का क्रॉस चेकिंग में आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो वो मेरे पास क्या इसका सॉल्यूशन है, कि आप कॉपी करें, यहाँ पे आ जाइए जहाँ करना है, और यहाँ पे पेस्ट लिंक का आपका है, पेस्ट स्पेशल के अंदर इसको दे दीजिए। ठीक है जी, लिंक किसने पेस्ट कर दिए एग्जैक्ट, और देन मैं इसमें फॉर्मेट्स और ऐड कर लेता हूँ अपने। ठीक है जी, कॉलम विड्थ ऐड कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि पेस्ट स्पेशल के कई मेथड से का यूज करके मैंने अपना टाइम बचा लिया इसमें। ठीक है जी, लिंकिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ वैल्यू चेंज की तो ये आपको यहाँ पे भी चेंज दिखा देगा। ठीक है जी, बट कई बार क्या होता है, अगर ये मेथड चलते थे पुराने टाइम पे, अब एक्सेल का लेवल थोड़ा सा अप हो चुका है,
लोग डैशबोर्ड्स का यूज करने लगे हैं। अब डैशबोर्ड्स में क्या होता है कि आपको पूरी कंपनी के MIS कोऑर्डिनेटर हैं, और आपको क्या है कि ये जो दिख रही है स्क्रीन, इसी के अंदर सारा डेटा दिखाना है। ठीक है जी, तो आप एक्सेल में तो एक चीज जानते ही हैं कि रो कॉलम बहुत एडजस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है जी, अब मान लीजिए आपके पास स्पेस ही इतना है, आपको इतने में ही दिखाना है ये डाटा, तो क्या कोई इसके पहले तो कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास, बट क्या कर सकते हैं कि आप सिलेक्ट कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट, इसमें जाइए होम बटन में, पेस्ट का जो होता है यहाँ पे चला जाइए एज पिक्चर, देन पेस्ट एज पिक्चर। ठीक है जी, पेस्ट एज पिक्चर। अब पिक्चर को का तो आप जानते हैं कि आप साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, और अगर हम यहां से ग्रिड लाइन को ऑफ कर दें तो किसी को क्या पता पड़ेगा कि हमने पिक्चर यूज किया कि क्या किया। ठीक है जी, पर डैशबोर्ड जैसा कि है लिंकिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो इसमें तो अगर मैं कोई चेंजेस कर रहा हूं तो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है जी, तो यहां तो कॉन्सेप्ट फेल होता है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम एक डिफरेंट टाइप की पिक्चर यूज करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, देन जाते हैं यहाँ एज पिक्चर में, पेस्ट के अंदर एज पिक्चर में, देन पेस्ट पिक्चर लिंक। अब ये जो पिक्चर है आपकी, ये लिंक की तरह है, आप जैसे ही कोई भी चेंज करते हैं इसमें तो यहाँ पे आपको चेंजेस भी दिखाता है, बट अगर आप इसके कलर भी चेंज करते हैं तो ये आपको इमीडिएट इफेक्ट के साथ वो चेंजेस भी दिखाता है। ठीक है जी, तो डैशबोर्ड में इनका बहुत अच्छा खासा यूज होता है। तो ये पेस्ट स्पेशल के बारे में मैं यही, मतलब ये मेरी पेस्ट स्पेशल की क्लास थी ऑलमोस्ट। एंड एक और चीज बताऊं, जैसे हमें पावर पॉइंट में कई बार पिक्चर ले जानी होती है, तो एक तरीका है कि जैसे मैं यहां से कॉपी करके, जैसे मैंने बताया पेस्ट एज पिक्चर, या फिर आप कॉपी ना करें, कॉपी ना करें, ये पेस्ट वाले में चले जाएं डायरेक्ट सिलेक्ट करके, एज पिक्चर कॉपी एज पिक्चर, ओके एज शोन टू स्क्रीन। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने पिक्चर यहाँ पे निकाली नहीं है, कॉपी कर ली है खाली, यानी ये डेटा मेरा पिक्चर के रूप में कॉपी हो चुका है, तो अदर किसी भी एप्लीकेशन पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है जी, यहाँ करना है मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, जैसे आपके क्लिपबोर्ड पे आ जाता है ना, तो इस तरह से आप डाटा तुरंत के तुरंत कॉपी कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन के लिए रेडी कर सकते हैं। ठीक है जी, पावर पॉइंट में भी हमारी डेटा की लिंकिंग होती है, जिसको मैं बाद में आपको बताऊंगा कि डैशबोर्ड पावर पॉइंट पे भी कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मैनेजमेंट एक्सेल देख के थोड़ा सा उनका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा डील करना मुश्किल होता है एक्सेल को, तो मैनेजमेंट के लिए कई बार सीनियर ऑफिसर्स के लिए ये चीज पावर पॉइंट में की जाती है। ठीक है जी, सेम डेटाबेस कनेक्ट रहता है आपके सर्वर से, और वो अपने लाइव अपडेट्स बना बना के देता है आपको। ठीक है जी, तो ये तो थी मेरी पेस्ट स्पेशल की क्लास, और जिसमें मुझे लगता है कि कुछ नया रहा आपके लिए, आप बताइए आपके लिए नया रहा कुछ इसमें कि नहीं। तो नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा बोरिंग रहेगा आपके लिए, क्योंकि बट इम्पॉर्टेंट बहुत चीज़ है, जैसा कि हमारा जो है कस्टमाइजेशन का सेशन है, ये मेरी सेकेंड क्लास में मैं आपको बताता हूँ, जिसमें मैं ये ऑफिस बटन है आपका, एक्सेल ऑप्शन के बारे में, इनके बारे में आपकी जानकारी दे बढ़ाऊंगा, क्योंकि इनका यूज हमारे पास सबसे ज्यादा होता है। एडवांस फिल्टर का सर टाइम आएगा, हर चीज टाइम से सही रहती है, पहले मेरे फिल्टर नॉर्मल फिल्टर तो पढ़ लीजिए, नॉर्मल फिल्टर भी एडवांस है। ठीक है जी, तो जिसमें एक्सेल मैं कह रहा था कि अब देखिएगा सर, उसके बाद कहिएगा कि उसमें है कि नहीं है कुछ। ठीक है जी, क्योंकि अब मैं अपने फ्लो में चल रहा हूँ, तो मुझे अपने फ्लो से चलने नहीं दीजिए, क्योंकि कई चीजें आप कहेंगे कि मैं जानता हूँ, और पता चले उसमें आपके लिए कुछ चीज छूट गई तो फिर आप भी सोचोगे, खैर आपको तो पता ही नहीं पड़ेगा कि क्या छूट गया, पर मुझे नहीं पता पड़ेगा कि मैंने क्या नहीं बताया। ठीक है जी, तो
जब जब आप उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो आप पूरी चीज में बेशक ही आता हो, शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ तक आएगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल अप होगा, शुरुआत में हल्की क्लासें होंगी क्योंकि कुछ चीजें आपको आती होंगी पहले से, कुछ चीजें नहीं आती होंगी। अब मुझे नहीं पता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है जी। पर अब जैसे पेस्ट स्पेशल का अगर मैं किसी से भी पूछूंगा ना, तो वो ओके ओके नो प्रॉब्लम। जैसे अगर आप पेस्ट स्पेशल को भी देखें, तो अगर मैं नॉर्मल आदमियों से पूछूं कि क्या आपको पेस्ट स्पेशल आता है, तो सारे हाँ में ही हाथ उठाएंगे, ठीक है जी। पर जितनी चीजें मैंने बताई हैं, आप उसमें देखिए कि उसमें से कुछ ही लोग उनके बारे में जानते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए मेरा फ्लो है उसमें, मुझे चलने दीजिए। आपके ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आएगा, आपको उसमें से बहुत कुछ आता होगा, कई बार 80% तक। पर इतना दावा है कि हर क्लास में आपको 1% 2% या कुछ भी आपको नया जरूर मिलेगा, ठीक है जी। क्योंकि जितना लेवल बढ़ता जाता है, आपको बड़ी मुश्किल से नई चीजें मिलती हैं, ठीक है जी। हम लोगों को नई चीजें बहुत रेयरली ही मिलती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं कस्टमाइजेशन के बारे में बात कर रहा था, तो उससे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ शॉर्टकट से, ठीक है जी। और अगर आप काम कर रहे हैं एक्सेल में, और जैसा कि आप पे अच्छा आता ही है, तो शॉर्टकट्स के बारे में फैमिलियर होंगे। बट मैं आपको एक बार फिर से इंट्रो दे देता हूँ कि शॉर्टकट्स कैसे यूज करने हैं इसके अंदर, एक्सेल के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज का कौन सा शॉर्टकट है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जैसे शॉर्टकट्स मैं बात करता हूँ कि नॉर्मल कंट्रोल सी कंट्रोल बी तो आपको पता ही होगा। पहला शॉर्टकट आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि आप जिस भी ऑप्शन पे लेके जाते हैं, वहां पे नीचे एक टूल टिप आती है जिसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में शॉर्टकट मिल जाता है, ठीक है जी। बट कई चीजों का शॉर्टकट आपको यहाँ नहीं दिखता है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, कौन सा वाला, अपने कीबोर्ड से हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं। एक बार प्रेस करके छोड़ दिया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नाम आ गए, यहाँ पे कुछ लेटर्स हाईलाइट हो गए, ठीक है जी। तो ये वाला मेथड हम यूज करते हैं। सपोज मुझे क्या करना है, इस पे बॉर्डर खींचने हैं, पूरे पे बॉर्डर डालने हैं, तो मैं क्या प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, मैंने ऑल्ट प्रेस किया, देन मैं क्या करता हूँ होम टैब में जाऊंगा। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, इसका मतलब है कि आप इसमें एंट्री के लिए इन कीवर्ड्स का यूज करेंगे। तो अगर मुझे होम में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, एच कीवर्ड दबाऊंगा। तो जैसे ही मैंने एच दबाया, होम टैब के अंदर के बाकी सारे ऑप्शन भी खुल गए, ठीक है जी। एच दबाया, देन बॉर्डर्स के लिए क्या आ रहा है मेरे पास, बी आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने बी प्रेस किया। देन ऑल बॉर्डर्स के लिए क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो मैंने ए प्रेस किया। तो ऑल बॉर्डर्स का क्या शॉर्टकट बना मेरे लिए, ऑल्ट एच बी ए, ठीक है जी। तो मैं बहुत फास्ट यूज कर सकता हूँ इसको, ठीक है जी। इसी तरह से मर्ज एंड सेंटर करना है, तो मैंने सिलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया, होम के लिए एच में गया, मर्ज एंड सेंटर में मुझे एम दिखाई दे रहा है, एम प्रेस किया मैंने, एंड सेंटर के लिए सी, तो मुझे एक शॉर्टकट मिला, ऑल्ट एच एम सी। अनमर्ज करना है, ऑल्ट एच एम यू, तो अनमर्ज हो गया, ऑल्ट एच बी ए ऑल बॉर्डर्स के लिए। तो इस तरह से जो भी आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जहां पर आपका माउस चलता है, उन सारी चीजों को आप इसमें शॉर्टकट्स के थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि फिल्टर के लिए क्या होता है, जैसे मैंने ये डेटा यहाँ फिल्टर लगाना है, तो क्या लगाऊंगा, ऑल्ट डाटा के लिए ए आ रहा है, एंड देन फिल्टर के लिए क्या आ रहा है, टी, ठीक है जी, ऑल्ट ए टी। तो ये मेरा शॉर्टकट हो गया लगाने का, ऑल्ट एटी दोबारा दबाया, चला गया। इसी तरह से मेरा पेज ब्रेक प्रीव्यू हो गया, नॉर्मल हो गया, प्रिंट प्रीव्यू हो गया, तो सबके लिए मेरे पास शॉर्टकट है, ठीक है जी। तो ये तो रहा आपका मेन्यू बार को हैंडल करने का तरीका। देन ऑफिस बटन को क्या करते हैं आप, जब ऑल्ट की प्रेस करते हैं तो ऑफिस बटन पे भी आता है एफ, ठीक है जी। प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट एफ, प्रिंट के आगे जो एरो है उसमें क्या आ रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू, एंड प्रिंट प्रीव्यू वी, ऑल्ट एफ डब्ल्यू वी, ठीक है जी। यहाँ ऑल्ट फिर प्रेस करेंगे तो बाकी आपको प्रिंट प्रीव्यू में क्या ऑप्शन दिखा रहा है, पी, देन पेज सेटअप एस पी, ठीक है जी। अब बताता हूँ डायलॉग बॉक्स कैसे हैंडल करने हैं आपने। डायलॉग बॉक्स जैसे आप नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं तो कंट्रोल वन के थ्रू आता है, ठीक है जी।
तो जब आपको इसमें आगे टैब नेविगेशन करनी है, इसमें टैब में चलना है, तो आप टैब अपना क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ टैब का यूज करेंगे, ठीक है जी। आगे जाएंगे, शिफ्ट दबा के टैब का यूज करेंगे तो पीछे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखते हुए टैब दबा, एक बार दबाया दूसरी बार दबाया तो रिवर्स में आ रहा है, कंट्रोल दबा के रखते हुए टैब बार बार दबा रहा हूं मैं तो आगे जा रहा है, ठीक है जी। नंबर फॉर्मेटिंग में आ गया। अब मुझे क्या करना है, कैटेगरी के अंदर जाना है या मुझे अलाइनमेंट में रैप टेक्स्ट करना है, तो रैप टेक्स्ट के लिए मैं कैसे जाऊंगा, कीबोर्ड से। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि हर एक ऑप्शन के अंडर एक अंडरलाइन है, ठीक है जी। हॉरिजेंटल में एच है, एच के नीचे अंडर है लाइन है, वर्टिकल में वी के नीचे है, रैप टेक्स्ट में डब्ल्यू के नीचे है, श्रिंक टू फिट में के नीचे है, ठीक है जी। तो इस तरह हर एक अलग अलग कीवर्ड के नीचे लाइन है। इन कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है, इसमें हमें पहले वाले में क्या किया था, हमने ऑल्ट की एक बार प्रेस की थी, मतलब दबा के छोड़ दी थी, देन एच बी ए दबाया था मैंने, ठीक है जी। इसमें क्या करना है, मुझे ऑल्ट की दबा के रखते हुए जो कीवर्ड दबाऊंगा, जैसे ऑल्ट की मैंने दबा रखी है इस टाइम, डब्ल्यू दबाऊंगा तो उस पर चेक हो जाएगा, अगेन डब्ल्यू दबाया हट गया, श्रिंक टू फिट करना है के दबाया, एन के दबाया हट गया, हॉरिजेंटल में डालना है ऊपर तो एच दबाया ये खुल गया, देन एरो की से मैं नेविगेट कर रहा हूं इसको, ठीक है जी। या फिर मैं उसका पहला लेटर दबा सकता हूं कि एल दबाया लेफ्ट पे आ गया, ठीक है जी। देन क्या करना है इसका, आप समझ गए। अब ये जो ओके है, ये ग्रीन एरिया दिख रहा है आपको, तो इस ग्रीन एरिया का मतलब है कि ये एंटर पे एक्टिवेटेड है, तो आप अपने कीबोर्ड से जैसे ही एंटर दबाएंगे जो भी सेटिंग आपने की होगी वो इस पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है जी। और अगर आप कुछ अप्लाई नहीं करना चाहते तो एस्केप का की दबा सकते हैं जिससे वो बाहर आ जाएगा। तो डायलॉग बॉक्स नेविगेशन इस तरह से करते हैं। इसके अलावा कुछ और जरूरी शॉर्टकट, जैसे शीट आपको स्विच करनी है तो शिफ्ट पेज अप पेज डाउन का यूज करते हैं हम, नहीं कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन का यूज करते हैं हम, ठीक है जी, शीट बदलने के लिए। कंट्रोल ए के जरिए आपका जो एरिया होता है रीजन वाला एरिया वो सिलेक्ट होता है, दोबारा कंट्रोल ए दबाएंगे तो होल शीट होती है। इसमें आपका डिलीट शीट के लिए, जैसे मैं एक नई शीट लेता हूं शीट 5, तो ऑल्ट दबाया मैंने, इसमें एक तो आपका डिलीट शीट करनी है आपने अगर कभी माउस से की होगी, ठीक है जी, आई प्लस, हाँ ऑल्ट ई एल है, ऑल्ट ई एल है, बट मैं आपको दिखा रहा हूं ऑल्ट ई एल क्या है, वो पुराना वाला शॉर्टकट है, पुराना शॉर्टकट है वो, आप जो मेथड यूज कर रहे हैं वो 2003 का है, ठीक है जी। जैसे मैं पाइवट टेबल के लिए ऑल्ट डी पी यूज करता हूं तो पुराना है, ठीक है जी। वो क्या है कि कुछ टाइम तक चलेंगे, फिर आगे अगले वर्जन में वो आगे कभी ना कभी बंद हो जाएंगे, तो हमेशा जब भी शॉर्टकट्स की तैयारी करें तो करंट वर्जन के हिसाब से करें, ठीक है जी। तो अपना ऑल्ट वाला देख सकते हैं, इसमें कहाँ होता है, होम टैब के अंदर डिलीट में होता है, तो ऑल्ट एच डी और ये अपना एस, ऑल्ट एच डी एस, ठीक है जी। तो इस तरह से तैयारी करेंगे बेटर रहेगा, इसी तरह से इंसर्ट करना है आपको, इंसर्ट शीट करनी है, वैसे तो शिफ्ट F11 होता है, मैं भी वैसे मोस्टली ऑल्ट ई एल ही यूज करता हूँ शीट डिलीट करने के लिए, बट बेटर है कि इसका नई चीजों का ध्यान में रखें। देन क्या है कि अगर आपको अब लिस्ट चाहिए, शॉर्टकट की लिस्ट कहाँ मिलेगी, तो एक चीज याद रखिए, हम अपने जो क्लास के दौरान जो है कि सबसे ज्यादा जो हेल्प हमें करता है, हेल्प दे सकता है, वो एक्सेल खुद बता सकता है कि क्या चीज यूज होती है, ठीक है जी। तो इस सिस्टम से कनेक्ट हो जाए बेटर है। तो F1 अपने कीबोर्ड से दबाएंगे, आप एक्सेल हेल्प में आ गए, यहां पे डाल देंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है जी, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और इसमें देखते हैं ये स्मार्ट आर्ट के लिए है, एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन की, ठीक है जी। तो यहां पे जो आपको दिखा रहा है इसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, हाइड एंड हाइड करने के जो भी हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो इसको एक बार अपने माइंड में रखें,
जब भी रेफरेंस लेना हो इसका रखें, और बेटर है शुरुआत में इसको रीड करें। ठीक है जी, तो इसमें आपको पूरी पूरी लिस्ट है आपके शॉर्टकट्स की। इसी तरह से अब जो मेरी भी रही है और बाकी सबकी भी प्रॉब्लम रही है, क्या रही है, विंडो तो चेंज हो गई पर नई विंडो के हमें शॉर्टकट नहीं पता है। कई लोगों को यही नहीं पता विंडो 7 में शो डेस्कटॉप कहाँ होता है, आप बताइए कहाँ होता है। उसमें तो यहाँ पे होता था शो डेस्कटॉप का एक ऑप्शन होता था ना, कंट्रोल डी से जो हम करते थे, ओ विंडो डी से, विंडो डी का बटन दबाते थे। जैसे कोई भी चल रहा है, अब ये मैंने डाउन कर दिया, इसका ऑप्शन गया कहाँ है इसमें विंडो 7 में। हाँ जी पता है, देखिए यहाँ पे ना टाइम जहाँ देख रहे हैं ना, इसके बगल में जो आपको पैनल दिख रहा है ना, ये है शो डेस्कटॉप, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ आया ये। तो मेरा कहने का मतलब ये था, ये मैं ये कोई मतलब आपका टेस्ट नहीं ले रहा था, मैं तो जनरली बता रहा था कि होता क्या है, कि विंडो के शॉर्टकट हम अपडेट नहीं है, तो एक बार इसी मेथड से F1 दबा के अपने कीबोर्ड शॉर्टकट इसके भी निकाल लीजिए। ठीक है जी, और इतना मेरा दावा है कि आपको नए जरूर मिल जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट मिल जाएंगे, विंडो की वाले स्पेशली देख लें। विंडो की से पहले 2-1 चलते थे, पर आजकल बहुत सारे चलने लगे हैं विंडो लोगो की वाले जो है, ये देखिए आपके कितने सारे हैं। ठीक है जी, बहुत सारे नए मिलेंगे आपको। ठीक है जी, तो एक बार विंडो वाले शॉर्टकट्स भी देख लें। ठीक है जी, अब जैसे मान लीजिए एक सैंपल के तौर पे बताता हूँ, मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलना है, अब मैं कीबोर्ड से कैसे खोलूंगा, अब मैं या तो टैब की का वेट करूंगा कि भैया टैब की से कब इस पे फोकस आएगा, बट सबसे बढ़िया शॉर्टकट है विंडो की दबाएं और 2, टू नहीं 3 एक्चुअली, एक्सेल विंडो प्लस आर, इसमें तो रन आता है आपका, रन वाला तो पुराने मेथड हो गए ना सर, नए वाले की बात कर रहे हैं। अब जैसे इसमें एक ट्रिक है, देखिए यहाँ जो आपको डेस्कटॉप पे दिख रहे हैं ना आइकॉन्स, ठीक है जी, इनका एक नंबर डिसाइड हो जाता है विंडो की के साथ, अगर आप पहले वाले को छोड़ दिए वो 0 पोजीशन हो गई। ये जैसे क्रोम खोलना है तो क्या चलेगा, विंडो के साथ हम न्यूमेरिक 1 दबाएंगे, ये खोलना है विंडो के साथ 2, एक्सेल खोलना है विंडो के साथ 3, इधर दूसरा 2013 का एक्सेल है 4, तो जो सी पोजीशन पे होगा विंडो के साथ वही न्यूमेरिक हमें कर देना है। जैसे आउटलुक खोलना है कौन सी पोजीशन पे, 5वीं पे। ठीक है जी, तो इस तरह की चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, बार बार ये आल्ट टैब कर करके हम इसमें ढूंढते रहते हैं, यहां से देखा खटाक से एक बार में हो गया। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये था कि कई नई चीजें वाकई में आई हुई हैं जिससे अपडेट होना जरूरी है। देन इसमें बाकी आपको कल इंट्रोड्यूस कराएंगे। एक और चीज बता देता हूं, एक्सेल हम स्टार्ट करने वाले हैं तो एक्सेल की लिमिट्स भी हमें पता होनी चाहिए। तो F1 दबाएंगे, सबसे पहली चीज आप निकाल लीजिए लिमिट्स, तो एक्सेल स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट्स एक बार इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार ऐसे इंटरव्यू में फंस जाते हैं जिनको एक्सेल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, उनको आता भी नहीं, पर एक्सेल में क्या पूछेंगे कि कितने कॉलम होते हैं एक्सेल में। ठीक है जी, तो आपको पता है ये हर वर्जन के साथ बढ़ते जाते हैं। ठीक है जी, तो एक बार ये लिमिट्स के साथ ब्रश अप हो जाइए तो बेटर रहेगा। दूसरा, आपको इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, इसमें आपकी हर चीज की जवाब होगा कि कितने रो, कितने कॉलम, कितना वर्कशीट ओपन कर सकते हैं, कितने हेडर हो सकते हैं, कितने फुटर हो सकते हैं, यूनिक सेल कितनी हो सकती है, कस्टम फॉर्मेट्स कितने लग सकते हैं, तो इसमें सेल्स कितने लग सकते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। पाइवट टेबल में मैक्सिमम कितने फील्ड्स हो सकती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके, एक बार इसको आपको मेमोराइज नहीं करना है, बस एक बार
रीड कर लीजिए, खोल के देख लीजिए अपने हाथ से, ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसका रेफरेंस ले सकें। ठीक है जी, आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी वीबीए में, क्योंकि आप हाथ से, यहाँ पे क्या होता है कि मैनुअल काम करना पड़ता है एक्सेल में, तो हाथ से कितना करेंगे। ठीक है जी, जो भी होता है सामने दिखता है। वीबीए में कोडिंग चलाते हैं तो वीबीए में लिमिट करना बहुत जरूरी होता है, या तो हमें लिमिट पता हो कि यहीं तक जाना है, और हमने दे दिया कि 1 करोड़ दे दिया उसमें कि 1 करोड़ रो पे जाओ, पता चले 1 करोड़ रो होती नहीं है एक्सेल में। तो ऐसी इस तरह की मिस्टेक से बचने के लिए इसका रेफरेंस ले लेना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो आज हमने पढ़ा पेस्ट स्पेशल, लिमिट्स स्पेसिफिकेशन और कीबोर्ड शॉर्टकट्स, देन विंडो के नए शॉर्टकट्स। ठीक है जी, कल जो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, एक्सेल ऑप्शंस पढ़ेंगे, जिसके इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें काफी सारी चीजें होती हैं, ऐसी दिक्कतें आती है एक्सेल में जिसके लिए कई बार पूरा एक्सेल फॉर्मेट करवाना पड़ता है, तो आपको उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े उसके लिए बेटर है कि हम इसको पढ़ लें। ठीक है जी, तो कल की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, बाकी रिकॉर्डिंग आपको कल इसको आपको मेल पे मिल जाएगी। यूट्यूब का जो लिंक होगा, कोई भी यूट्यूब डाउनलोड की साइट से आप कर सकते हैं। यूट्यूब का मैं कोई ना कोई लिंक दे दूंगा, जैसा कि मेरे और क्लासेस का होता है। अगर आप मुझे यूट्यूब पे ढूंढना चाहते हैं तो संदीप एक्सेल करके टाइप करेंगे तो ये मेरा आईडी भी आ जाएगी, और एक्सेल की काफ़ी सारी क्लासेस जो इसमें अवेलेबल है वो भी आ जाएंगी, तो आप इनका भी रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है जी, और कोई सवाल सर? इसमें मैं इनके लिंक भेजूंगा आपको, आपने खोल के इनको खोल के आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। ये डेली की क्लासेस आपकी यूट्यूब मोड से मिली। किस तरह के टॉपिक?